वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में देश को 14वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब मिल जाएगी। इसको देखिए, अब कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली से अजमेर के बीच ये ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ और वंदे भारत एक्सप्रेस की तस्वीरें भी आपको देखने को मिल रही हैं, जिसके जरिए आपको ये बताना है या कहें कि याद दिलाना है कि इस साल अब तक प्रधानमंत्री 7 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा चुके हैं, जिसमें से 2 ट्रेन आंध्र प्रदेश, 2 मुंबई, 1 चेन्नई, कोयंबटूर, 1 भोपाल से दिल्ली को राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। बीते 4 महीने में यह 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है जो अब मुसाफिरों के लिए तैयार है। आज से दिल्ली और अजमेर के बीच सफर करने वालों के लिए दोनों शहरों का फासला कम होने वाला है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान को सूबे की पहली वंदे भारत ट्रेन की शानदार सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद अजमेर से दिल्ली कैंट का सफर महज 5 घंटे 15 मिनट का रह जाएगा। इस रूट पर अब तक शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज ट्रेन थी, जो दिल्ली कैंट से अजमेर तक 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है, लेकिन वंदे भारत शुरू होने के बाद ये सफर 1 घंटे कम हो जाएगा। पहली वंदे भारत ट्रेन जयपुर से दोपहर 12:30 पर रवाना होगी और शाम 4:30 पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी। 13 अप्रैल से आम लोग वंदे भारत ट्रेन में सफर कर पाएंगे। ट्रेन में 12 AC चेयर कार, 2 AC एग्जीक्यूटिव चेयर कार और 2 ड्राइविंग कार समेत कुल 16 डिब्बे होंगे। ये ट्रेन अजमेर, जयपुर, अलवर, गुरुग्राम होते हुए दिल्ली कैंट तक जाएगी। इस ट्रेन का मार्च में 3 दिन का ट्रायल किया गया था। तब इस ट्रेन को अजमेर से नई दिल्ली के बीच करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला गया था। देश में पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच जनवरी 2019 में शुरू की गई थी। तब से लेकर अब तक कुल 13 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रफ्तार की जो सौगात है सिर्फ रेल नेटवर्क के जरिए ही नहीं सरकार दे रही, बल्कि सड़कों को भी कुछ इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि समय की बचत हो और सुविधाजनक भी आपके सफर को बनाया जाए। तभी तो जम्मू कश्मीर में नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। करीब 35,000 करोड़ की लागत से जम्मू श्रीनगर को ऑल वेदर कनेक्टिविटी की सौगात मिलने वाली है। टनल इन सड़कों की पहचान होंगे, जिसका जायजा जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिया। श्रीनगर से बनिहाल के बीच बनी ये सुरंग जम्मू और श्रीनगर को मिलाने वाली ऑल वेदर कनेक्टिविटी की एक अहम कड़ी है। मौसम अब चाहे जितनी भी बेरुखी दिखा ले, पारा लुढ़के या बर्फ पड़े, इस टनल की वजह से जम्मू और श्रीनगर हर मौसम में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस टनल का मुआयना किया। उनके साथ LG मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। जम्मू और श्रीनगर के बीच के सफर को सहूलियत भरा बनाने के लिए करीब 35,000 करोड़ की लागत से 3 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ये टनल जम्मू से उधमपुर, रामबन, बनिहाल से होते हुए श्रीनगर तक जाएगी। इस टनल से जम्मू और श्रीनगर के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। जम्मू से श्रीनगर का सफर 3.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। अभी इस सफर में 9 से 10 घंटे लगते हैं। रामबन से बनिहाल तक 40 किलोमीटर की सड़क 2024 तक बन जाएगी। टनल बनने से जम्मू कश्मीर के बीच की दूरी 75 किलोमीटर कम हो जाएगी। तीनों प्रोजेक्ट जो जम्मू श्रीनगर के बीच की यात्रा को सुगम बनाने के लिए करीब 35,000 करोड़ की लागत से 3 कॉरिडोर बना रहे हैं। इसमें से जो जम्मू उधमपुर श्रीनगर मार्ग है, जिसका आज हमने निरीक्षण किया, एक टनल का हमने इनॉग्रेशन भी किया। आदरणीय गवर्नर साहब VK सिंह साहब और जितेंद्र सिंह जी और मैंने मिलकर, और वो टनल की भी शुरुआत हो गई। तो जम्मू से उधमपुर, रामबन, बनिहाल से श्रीनगर तक ये 16,000 करोड़ की लागत से अब इसकी लेंथ 245 किलोमीटर ही रही है, क्योंकि टनल बनने के कारण लेंथ कम हो गई है। ये 4 लेन मार्ग बनाया जा रहा है, इसमें से 200 किलोमीटर मार्ग 4 लेन हो गया है और 21.5 किलोमीटर की 10 टनल का निर्माण हो गया है।
नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर में बने एशिया की सबसे लंबी जोजिला टनल का मुआयना भी किया। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रियों को भी जम्मू कश्मीर में नई मार्ग की सौगात मिलने जा रही है। अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी करीब 5300 करोड़ रुपए की लागत से 110 किलोमीटर के नए मार्ग का निर्माण किया जाएगा। अमरनाथ मार्ग के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात केवल कहूंगा कि हमारे मनोज जी ने हमारे पास मांग की थी कि अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए मार्ग निर्माण का प्रस्ताव, उसको आज मुझे खुशी हो रही है कि हमने स्वीकृति दी है और 5300 करोड़ की लागत से 110 किलोमीटर चार लेन टू लेन पेव शोल्डर के मार्ग निर्माण की मैं आज घोषणा करता हूं। अपनी जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान नितिन गडकरी माता वैष्णो देवी के दरबार में भी पहुंचे और एलजी मनोज सिन्हा के साथ माता वैष्णो की पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जोर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया जा रहा है ताकि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे और साथ ही साथ खूबसूरती निहारने के लिए जो पर्यटक हैं वो वहां पर पहुंचे और उनका आसानी हो। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से ऐसी तस्वीरें आनी अब आम बात हो गई है। फिलहाल ये तस्वीर तो राजौरी इलाके की है जहां बीआरओ की मदद से नए ब्रिज बनाए जा रहे हैं, लेकिन समूचे जम्मू कश्मीर और सीमावर्ती इलाकों में विकास की कई ऐसी योजनाओं पर काम चल रहा है जिसकी बदौलत भारत के इस इलाके का भूगोल बदलता जा रहा है। 2019 में सत्ता वापसी करने के साथ मोदी सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाने का फैसला किया, तभी ये एहसास हो चला था कि इस इलाके के हालात और सूरत को बदलने का जिम्मा वो खुद उठाने वाली है। इसका असर इलाके के लोगों और कारोबारियों पर भी साफ नजर आ रहा है। नतीजा वो सब कुछ होता दिखने लगा जो पिछले 30 बरस तक आतंक और सियासत के काले सायों के दौर में कहीं गुम हो गया था। सेना और स्थानीय लोगों के बीच रिश्ते गाढ़े हुए, सिनेमा हॉल खुले और भी दूसरे सांस्कृतिक आयोजन की बदौलत माहौल बदल गया। अब बुनियादी सुविधाओं पर काम कर रहे लोगों को दूसरी तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं और ये तस्वीरें उसी योजना का हिस्सा है जिसके तहत दो नए और बड़े ब्रिज राजौरी कंडी बुढ़ाल हाईवे पर बनाए जा रहे हैं। ये पूरा काम सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ कर रहा है। इन सड़कों की वजह से इस जगह का इकोनॉमिक प्रोग्रेस जिसे कहते हैं, टूरिज्म इकोनॉमी और लोगों की अपनी आम जिंदगी, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है क्योंकि सड़कों के साथ आता है आपका कॉमर्स और कॉमर्स जो है यहाँ पे बहुत बड़े तरीके से उछाल देखने वाला है। इसका मकसद न केवल इलाके के लोगों को बेहतर और सुगम रास्ता देना है बल्कि सेना की जरूरतों के लिहाज से उसके लिए सफर आसान करना है। पहले 10 दुकानें थी, अभी लाखों की तादाद में दुकानें हैं और इसी रोड की वजह से तो बिजनेस बढ़ा। मैं तो कहाँ से आना था, इस रोड का इतना बेनिफिट हुआ। गरीब लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बिजनेस चल रही है, हर चीज की बिजनेस चल रही है, जो चीज के हमारे उस इलाके में कभी किसी ने देखी भी नहीं थी वो चीजें आजकल हमें उधर ही मिल रही हैं घर घर में। इस रोड के बनने का फायदा स्थानीय लोगों को दूसरी तरफ से भी मिलने वाला है। उनके लिए ये रोड रोजगार के नए रास्ते खोलने वाली है। ये ब्रिज के बनने से क्या कहते हैं, पूरे साल रोड कनेक्टिविटी यहाँ के लोगों को और आर्मी को क्या कहते हैं पूरी कनेक्टिविटी मिलेगी। और ये अल्टरनेट रूट भी है क्या कहते हैं श्रीनगर जाने के लिए और जम्मू जाने के लिए, तो ये रोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस ब्रिज के बनने से लोगों को बहुत फायदा होगा। यहाँ पर रोजगार, पर्यटन, जन्नत और जरूरत, जम्मू कश्मीर में विकास का पहिया इन्हीं धुरी पर घूम रहा है जिसका असर यहाँ के फिजाओं में भी दिख रहा है। तभी तो नौजवान अब तरक्की के नए ख्वाब देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब खबर राम भक्तों और राम मंदिर से जुड़ी हुई। साल 2024 की जनवरी में राम मंदिर को भक्तों के लिए खोलने की बात लगातार कही जा रही है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए जाने हैं। सरकार ने इस दिशा में अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने का फैसला किया है और इसके लिए 77 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। भू श्री राम का ये मंदिर कुछ यूं आकार ले रहा है। मंदिर निर्माण से जुड़े लोग दिन रात
राम के काम में जुटे हुए हैं, ताकि प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य वक्त पर पूरा किया जा सके, जिसकी गवाही अब ये तस्वीरें भी ले रही है। इस निर्माण कार्य की प्रगति को देखते हुए मंदिर की सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस ने भी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कुछ रोज पहले ही इस सिलसिले में यूपी के डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा ने इसकी जानकारी दी थी। इसके संबंध में डिफरेंट जोन में क्या सिक्योरिटी व्यवस्थाएं कर दी है, उसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा की है, और आने वाले दिनों में जैसा हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर से अयोध्या में दर्शनार्थियों का भी काफी आना जाना होगा, इसलिए हम लोगों ने लगभग 77 करोड़ के डिफरेंस का लाइसेंस दिया है। खास बात यह है कि राम मंदिर की सुरक्षा में पुलिस फोर्स से ज्यादा हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दरवाजों की निगरानी के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक इस्तेमाल की जाएगी। पूरे मंदिर परिसर में करीब 800 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, साथ ही साथ एक्सरे मशीन्स का भी इस्तेमाल होगा और 24 घंटे ड्रोन कैमरे से इसकी निगरानी की जाएगी। इतना ही नहीं, वॉच टावर और सरयू नदी में तैनात की जाने वाली बख्तरबंद बोट को भी खरीदा जाएगा। मंदिर और अयोध्या की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले इन रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 77 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा 4 अलग अलग फोर्सेस को मिलाकर स्पेशल फोर्स का गठन किया जा रहा है, जिसकी तैनाती कब और कहां होगी इसका फैसला सरकार लेगी। पैरामिलिट्री फोर्सेज हमारी है, पीएसी है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है और सिविल पुलिस है, 4 तरह की फोर्सेज है। तो ये नीतिगत निर्णय है कि गर्भगृह में, सैंक्टम सैंटोरम में किसकी ड्यूटी होगी, उसके बाहर परिसर में किसकी ड्यूटी होगी, फैसिलिटेशन सेंटर पर किसकी ड्यूटी होगी, एक्सरे के लिए किसकी ड्यूटी होगी, और पूरे रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन, ब्लू जोन में किसकी सिक्योरिटी होगी। तो ये नीतिगत निर्णय है जो शासन लेता है, माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग इस टास्क को डिवाइड करेंगे, लेकिन पूरा अम्ब्रेला डिस्टेंट डीजी जोन और एसडीजी एलओ के अंडर रहेगा। और हम इस आश्वस्त करते हैं सभी को, जो भी हमारे दर्शनार्थी आएंगे, हमारे सभी परिवार के लोग हैं, और बेस्ट से बेस्ट सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी। मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से ही अयोध्या में साल दर साल रिकॉर्ड संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुँच रहे हैं, खासकर विशेष धार्मिक आयोजनों के वक्त देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु प्रभु श्री राम की नगरी में आ रहे हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि राम मंदिर के कपाट जनवरी 2024 में खुलने के बाद इन श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है, लिहाजा पुलिस महकमे ने इन भक्तों को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए अभी से ही प्लानिंग शुरू कर दी है। आज जब हम लोगों ने बात किया तो एक एक चीज, कहां लोग जूता उतारेंगे, अंदर किस तरफ से जाएंगे, वापस कैसे आएंगे, कहां से प्रसाद खरीदेंगे, वापस अपने बच्चे के साथ में बच्चे कहां से कैसे बाहर निकालेंगे, बूढ़ा आदमी कैसे जाएगा, हर चीज की माइक्रो मैनेजमेंट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। यूपी सरकार ये सारी कवायद इसलिए कर रही है ताकि अयोध्या आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। मंथन इस बात का कि फिजिकल पुलिसिंग के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से उपयोग किया जाए, मंथन इस पर कि जल थल और नभ से कैसे एक साथ अयोध्या पर निगाह रखी जा सके, इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर एक ऐसी व्यूहरचना तैयार की जा रही है कि स्पेशल फोर्स भी तैनात की जाएगी और ऐसा बहुत कुछ होगा जो अयोध्या की सुरक्षा को हाईटेक बना देगा। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, आज इंटरनेशनल वर्ल्ड स्ट्रीट चिल्ड्रन डे है। इसका मकसद हर बच्चे को समानता का अधिकार दिलाएं, यह सब इसका मकसद होता है। हर बच्चे की रक्षा हो, सभी सेवाओं तक उनकी पहुंच हो और ऐसे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे ये जो गैप है इसको भरा जाए। इसी के तहत चेन्नई में ह्यूमन चेन बनाई गई और इसके जरिए लोगों को जागरूक किया गया। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए। उसी के तहत ये आयोजन था कि जो सोसाइटी का जो गैप है, ये गुर्बत से मुख्य धारा में जोड़ने का ये जो प्रयास है, ये एक कोशिश। तो इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को है।
इस हाइब्रिड सूर्य ग्रहण में 100 साल बाद अद्भुत नजारा देखने को मिल सकता है। ये बेहद खास सूर्य ग्रहण है जो आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार तीन रूपों में दिखाई पड़ेगा। हालांकि भारत में ये नहीं दिखने वाला है, लेकिन सूर्य ग्रहण का कुछ ऐसा कनेक्शन भी है जिसका प्रकृति पर असर पड़ता है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन शास्त्रों में इसका काफी महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहण काल के दौरान हमारे आसपास की हर चीज प्रभावित होती है। इस साल यानी 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को वैशाख अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। इस बार का सूर्य ग्रहण बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार हाइब्रिड सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो 100 साल में एक बार ही लगता है। हालांकि 20 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और न ही इसका सूतक काल भारत में मान्य होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इसको लेकर कई गणनाएं की जा रही हैं। धार्मिक मान्यता और ज्योतिषीय गणना के मुताबिक सूर्य ग्रहण के बाद जहां पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है, वहीं चंद्र ग्रहण जल और समुद्र पर असर डालता है। माना जाता है कि आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को लेकर ग्रहण पहले ही इशारा दे देते हैं। जीव जंतुओं की हरकतें इसका संकेत देती हैं। सूर्य ग्रहण का भूकंप से कनेक्शन भी माना जाता है। जब भी कोई सूर्य ग्रहण आता है, उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद या ग्रहण के 80 दिन के अंदर में भूकंप कभी भी दस्तक दे सकता है। कभी कभी तो ये सूर्य ग्रहण के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद भी भूकंप के झटके आ सकते हैं। ज्योतिषियों का मानना है कि सूर्य ग्रहण का प्रकृति पर पूरा असर होता है। वहीं वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग को प्राकृतिक आपदाओं की वजह बताते हैं। मान्यताओं के मुताबिक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से ग्रह नक्षत्रों में फेरबदल होते हैं, जिससे प्राकृतिक आपदा, महामारी जैसी घटनाएं सामने आती हैं। ज्योतिष विशेषज्ञों की इस पर नजर बनी हुई है, क्योंकि जब चीन से कोरोना की शुरुआत हुई थी तब वहां सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ा था। धरती की खास प्लेटों के पास ही भूकंप का केंद्र रहता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में ग्रह एक दूसरे पर अपनी छाया डालते हैं। ये छाया चाहे सूर्य चंद्रमा पर पड़े या फिर पृथ्वी पर, दोनों पर इसका असर देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भूकंप के उस क्षेत्र में आने की संभावना और भी बढ़ जाती है जहां सूर्य ग्रहण का प्रभाव अत्यधिक देखने को मिलता है और जहां धरती के नीचे विपरीत परिस्थितियां रही हों। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात देखिए मौसम के मिजाज की कर ली जाए, सफर ट्रेन का हो या रूट का, मौसम इसमें अहम योगदान देता है। मौसम अगर खुशनुमा हो तो सफर का मजा दोगुना हो जाता है, लेकिन अप्रैल में पड़ रही गर्मी को देखकर लगता नहीं है ऐसा कि मौसम मेहरबान अब रहने वाला है, क्योंकि मिड अप्रैल में मौसम की बेरुखी अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सूरज की जो तपिश है अब बढ़ने लगी है और लोगों को गर्मी सताने लग गई है। मौसम विभाग ने 16 अप्रैल तक गर्मी को और ज्यादा बढ़ने के आसार जताए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मौसम की मेहरबानी का दौर अब खत्म हो चुका है। मौसम की जो अटखेलियां और खुशनुमा एहसास मार्च के महीने में होता रहा, वो अप्रैल में अब अपने तेवर बदलता जा रहा है। अप्रैल की शुरुआत में भले ही मौसम का मिजाज थोड़ा नर्म रहा, लेकिन लगभग आधी अप्रैल बीतने के बाद गर्मी का एहसास होने लगा है। कुछ दिन पहले तक भले ही सुबह और शाम में मौसम खुशगवार बना हुआ था, लेकिन अब सुबह होते ही तेज चटक धूप तपिश बढ़ाने लगी है। दिन चढ़ते चढ़ते धूप की शिद्दत भी तेज होने लगी है। मौसम की ये बेरुखी अभी कुछ दिन जारी रहेगी। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली NCR का पारा और तेज होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में अगले 6 दिन तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। सोमवार को जहां दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री पहुंच गया, तो वहीं मंगलवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 16 अप्रैल तक मौसम गर्म ही बना रहेगा और अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। फरवरी महीना में डे टेम्परेचर ज्यादा रहा था, मगर मार्च महीने में बारिश की वजह से टेम्परेचर नॉर्मल या बिलो नॉर्मल रहा। अप्रैल महीना में अभी तक भी बारिश कुछ इलाके में जारी है। जो पूर्वानुमान है, अभी जो ईस्टर्न इंडिया है वो अप्रैल महीना में टेम्परेचर राइज हो रहा है और नेक्स्ट 5 डेज में टेम्परेचर राइज होगा। आइसोलेटेड प्लेसेस में हीट वेव कंडीशन डेवलप हो सकता है। अप्रैल महीना में ईस्टर्न इंडिया जैसे कि ओडिशा, झारखंड, गंजरी वेस्ट बंगाल, बिहार, ईस्ट यूपी, इस एरिया में टेम्परेचर राइज होगा और कुछ इलाका में हीट वेव कंडीशन डेवलप हो सकता है। हालांकि 16 अप्रैल के बाद लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है,
कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी मौसम को खुशगवार बना सकती है, लेकिन फिलहाल कुछ दिन आपको सूरज की तपिश झेलनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जब गर्मियों का मौसम आता है तो प्यास बुझाने के लिए छाछ, लस्सी और कोल्ड ड्रिंक की जो डिमांड है वो अचानक से बढ़ जाती है। ऐसे में गुजरात के राजकोट में एक अनोखी प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता को कोल्ड ड्रिंक कॉम्पिटिशन नाम दिया गया, जिसमें 100 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसमें शामिल महिलाओं ने अपनी रेसिपी से अलग अलग कोल्ड ड्रिंक बनाए और लोगों ने जमकर इनका लुत्फ उठाया। कोशिश जाहिर तौर पर यही थी कि तमाम अलग अलग तरीके से उन तरल पदार्थों का सेवन किया जाए जिससे न सिर्फ प्यास बुझे बल्कि गर्मी को भी दूर किया जा सके। पूरे असम में इन दिनों बिहू की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजार त्योहार के सामानों से इस वक्त पटे पड़े हैं। 14 अप्रैल को यहां बिहू मनाया जाएगा, लेकिन इस त्योहार का जो खास उत्साह है वो अभी पूरे असम में देखने को मिल रहा है। आप ही देखिए। गए हैं बाजार, हर तरफ बिखरी है पीठे की खुशबू। तैयार हो रहे हैं स्वादिष्ट पकवान। पूरा असम अब बिहू के रंग में रंगा नजर आ रहा है। 14 अप्रैल को यहाँ रोंगाली बिहू का उत्सव मनाया जाएगा। बाजार बच्चों और बड़ों की पारंपरिक पोशाक टोपी से सजे दिखाई दे रहे हैं। ढोल, बांसुरी, मिठाइयाँ और दूसरे पकवान इस त्योहार की रौनक बढ़ा रहे हैं। रोंगाली बिहू के लिए लोग इन दिनों जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। बिहू तीनों बिहू में से यही सबसे बड़ा मतलब एंटरटेनमेंट देने वाला बिहू है। हम लोग सब जानते हैं कि बिहू तीनों बिहू अपना सीजनल क्रॉप्स रिलेटेड है, तो इसी बार भी मतलब गया साल की तरह या तो गया सालों की तरह हम लोग इस बार भी बिहू मनाएंगे असम में, इसीलिए थोड़ा बहुत शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पे। थोड़ा पीठा लिया है, बच्ची बिहू नाचेगी उसके लिए वो जापी वगैरह ड्रेस वगैरह खरीद रहे हैं और अभी देख रहे हैं थोड़ा बहुत बच्चा के लिए धूल भी लेगा। अप्रैल के महीने में आने वाला रोंगाली बिहू असम का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। इसे असम या नव वर्ष की शुरुआत और वसंत ऋतु के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। रोंगाली बिहू का इंतजार लोगों को पूरे साल रहता है। हर साल की तरह ही इस साल भी लोग इस त्योहार का जश्न मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात देखिए परंपरा और संस्कृति की हो रही है तो बात मध्य प्रदेश की सीहोर की कर लेते हैं, जहां का शरबती गेहूं आज सोने से चमक रहा है। जी हां, शरबती गेहूं को केंद्र सरकार ने एक और नई पहचान दे दी है। सरकार ने सीहोर की शरबती गेहूं को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग अब दे दिया है। माना यह जा रहा है कि इससे शरबती गेहूं के उत्पादन में और ज्यादा लाभ होने जा रहा है। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के सीहोर में उगने वाले सोने सी चमक वाले गेहूं की। ये तस्वीरें हैं किसानों के चेहरे पर खुशहाली बिखेरने की। ये तस्वीरें हैं दुनिया भर में प्रसिद्ध सीहोर के शरबती गेहूं की। वो ही शरबती गेहूं जिसको गेहूं नहीं बल्कि सोना कहा जाता है, उसी सोने को अब नई पहचान मिल गई है। सीहोर के शरबती गेहूं को केंद्र सरकार ने जीआई टैग जारी किया है। ये जीआई टैग एप्लीकेशन नंबर 699 के तहत जारी हुआ है। शरबती गेहूं को सर्वाधिक उत्पादक का जीआई टैग दिया गया है। भारत में शरबती गेहूं की क्वालिटी को सर्वोत्तम माना जाता है। यहीं से शरबती गेहूं और इनसे बने प्रोडक्ट दुनिया भर में निर्यात होते हैं। सीहोर में विशेष प्रकार की जलवायु है, इसको विद्यार्थी जोन कहते हैं। यहाँ पर जो भूमि है एवं पानी है उसमें जो गेहूं का उत्पादन होता है उसमें गेहूं में चमक बहुत अच्छी आती है
और इसमें प्रोटीन का प्रसव भी अच्छा रहता है, उत्पादन भी बहुत अच्छा आता है। किसान भाइयों को मैं इसके संबंध में बधाई देना चाहूंगा कि बहुत अच्छी उपलब्धि है ये, ऑल ओवर इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीजें जाती हैं, और यहाँ के गेहूं का भाव जो है ना अच्छा मिलेगा, मांग अच्छी आएगी। अपने बेहतरीन स्वाद और सोने जैसी चमक के लिए मशहूर सीहोर के शरबती गेहूं की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। माना जाता है कि शरबती गेहूं से बनी रोटियों में प्रीमियम वैरायटी फाइबर, प्रोटीन, विटामिन बी और ई अच्छी मात्रा में मिलता है। इसका दाना छोटा और चमकीला रहता है और आम गेहूं के मुकाबले इसकी कीमत भी ज्यादा होती है। आज भारत के सैकड़ों कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो किसी एक खास इलाके से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में उत्पादों को संरक्षण और बढ़ाने के लिए GI टैग दिया जाता है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बनारसी पान और लंगड़ा आम को भी इसी तरह का GI टैग दिया गया था। अब इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के शरबती गेहूँ का नाम भी शामिल हो गया है। सीहोर से नावेद जाफरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शरबती गेहूं के अलावा दुनिया के कई देशों में अपनी कला का लोहा मनवा चुकी गोंड पेंटिंग को भी GI टैग मिल चुका है। गोंडी चित्रकला ने दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, इससे मध्य प्रदेश को भी आदिवासी कला के क्षेत्र में बड़ी पहचान मिल जाएगी। GI टैग मिलने के बाद इस कला से जुड़े कलाकारों को और ज्यादा काम मिलने की उम्मीद है। और जाहिर तौर पर जब बात पेंटिंग्स की होती है, पुरानी पेंटिंग्स की होती है, चाहे बात मधुबनी की हो या फिर मध्य प्रदेश की इस पौराणिक चित्रकला की, इस प्रकार के GI टैग मिल जाने से न सिर्फ इसकी डिमांड बढ़ेगी बल्कि सम्मान का दायरा भी बढ़ेगा।